अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। अकाई एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर लें, ऐसे आप लोगों को सक्सेसफुल ग्रेजुएट की हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के आप लोगों को पता है एडमिशन ओपन होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना वो ऐसे हैं जी के जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है कि एडमिशन ओपन अभी तक नहीं हो। देखिए एडमिशन ओपन होना जो है ना वो इतना ईजी नहीं होता कि ऐसे ही एडमिशन ओपन कर दिए जाए। इसके लिए बाकायदा मीटिंग्स होती हैं यूनिवर्सिटी में, बाकायदा पॉलिसी बनती हैं, फिर जाके एडमिशन की ऐड आती है। तो इसलिए उम्मीद है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का ऐड जो है ना आ जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम खबर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स BS फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक है। BS फिफ्थ वालों के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को BS फिफ्थ वालों को पहले ही बता देता हूँ कि BS फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए कोई यूसेट टेस्ट या फिर कोई भी और टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं BS फर्स्ट सेमेस्टर की, असल बात इन स्टूडेंट के लिए है। आप लोगों को पता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने ना यूसेट टेस्ट जो है ना वो लाजमी बोला हुआ था एडमिशन लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन और ये भी डिसाइड हुआ था कि 15% मार्क्स जो है ना वो इंक्लूड किए जाएंगे यूसेट के। लेकिन अब आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम खबर आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंट को भी एडमिशन के लिए एलिजिबल करार दे दिया जिन्होंने यूसेट टेस्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने भी यूसेट टेस्ट नहीं दिया वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने यूसेट टेस्ट नहीं दिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब मसला ये है कि जो स्टूडेंट्स ने यूसेट टेस्ट दिया है और पास है उनको तो 15% मार्क्स उनके मेरिट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट ने यूसेट का टेस्ट नहीं दिया उनको 85% जो है ना उनका एग्रीगेट यानी कि 85% उनको यूसेट का जो 15% है वो उनका वेस्ट हो गया। अब अगर आप लोग 85% की बेस पे अप्लाई करते हो, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको जो 15% यूसेट टेस्ट के शामिल होने हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। उन स्टूडेंट को फ़ायदा होगा जिन्होंने यूसेट टेस्ट क्लियर किया हुआ है, उनको 15% मार्क्स यूसेट के वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे उनके मेरिट पे। लेकिन आप लोगों का जो 15% है यूसेट का वो निकाल दिया जाएगा, आपका 85 टोटल होगा। तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा जिन स्टूडेंट ने यूसेट टेस्ट नहीं दिया। अब ये गुड न्यूज़ भी ये है कि अगर हो सकता है आप लोगों के इंटर में मैट्रिक में मार्क्स ज़्यादा हो जिसकी वजह से आप उन स्टूडेंट से ऊपर चले जाओ जिन स्टूडेंट ने यूसेट टेस्ट दिया, इसलिए आप लोगों को अब यूनिवर्सिटी ने ये अलाउ कर दिया है कि जिस स्टूडेंट ने यूसेट टेस्ट नहीं भी दिया हुआ वो भी एलिजिबल है, वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके मेरिट में वो यूसेट के जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ये थी जी सबसे बड़ी खबर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिस से आई है, तो इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला, हर चीज़, मेरिट लिस्टें, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरिट लिस्टें पड़ी हुई हैं, ये मेरिट कैलकुलेटर पड़ा हुआ है जिससे आप अपना मेरिट निकाल सकते हैं। अब एडमिशन की डिटेल वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।